हेलो फ्रेंड्स, मोनिका दिस साइड। आज हम लोग करने जा रहे हैं निश्ट और द काइन में डिफरेंस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कब और कहाँ यूज होते हैं? दोनों नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम काइन की बात करेंगे। पहले तो मैं एक बात बता दूं, हमने इनडेफिनेट आर्टिकल किए थे। जैसे अगर हम बात करें, पहले डेफिनेट आर्टिकल होता है देयर, दी, दास, दी। इनका इनका इनडेफिनेट आर्टिकल होता है आइन, आइन, आइन। इसका कुछ नहीं होता। तो इसको ये होता है मैस्कुलिन, ये होता है फेमिनिन, ये होता है नॉयत्रम, ये होता है प्लूरल, और ये होता है नॉमिनेटिव केस। तो एक्यूजेटिव में क्या होता है, देयर देन में चेंज हो जाता है, दी दी रहता है, दास दास रहता है, दी दी रहता है। और इसमें इनडेफिनेट में आइनन चेंज हो जाता है, आइना आइना रहता है, आइन आइन रहता है। नेगेटिव में कुछ नहीं होता, सिर्फ इसके आगे के लग जाता है, काइन, काइन, काइन। और प्लूरल के लिए भी काइन, इसमें काइनन, काइन, काइन एंड काइन। तो ये हमारा इनडेफिनेट का, ये नेगेटिव अगर हमें बनाना है तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ इनडेफिनेट में के जोड़ देना होगा। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मैं बोलना चाहती हूँ, अच्छा काइन कहाँ यूज होता है, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ। काइन काइन होता है नाउन से पहले, नोमन से पहले, और निष्ठ होता है एडजेक्टिव से पहले या वेर्बन से पहले। तो सपोज काइन है, तो अगर मुझे बोलना है दास इज ein Tisch, ये एक टेबल है, और मुझे बोलना है दिस इज नॉट अ टेबल, तो मुझे बोलना होगा दास इज kein Tisch। मतलब सिर्फ के लग जाएगा, ein की जगह kein Tisch। यानी कि आपका जो काइन है वो नाउन से पहले लगेगा, टिश एक नाउन है और उसके पहले काइन लग जाएगा, नॉट अ टेबल। निश नहीं लग सकता, निश एडजेक्टिव के साथ लगेगा। अच्छा जैसे मुझे बोलना है आई हैव ए शाबर आइन एन टिश, आई हैव अ टिश, या आइन अ टाश, तो मैं बोलूंगी आई डोंट हैव ए शाबर काइन टाश। या मुझे बोलना है आई हैव एयर हार्ट आइन एन हुंड, उसके पास एक डॉग है, मैं बोलना चाहती हूँ कि उसके पास नहीं है, एयर हार्ट काइनन, सिर्फ के लग जाएगा, काइनन हुंड, बाकी सब सेम रहेगा, जैसे इनडेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। तो काइनन, यानी कि ये कहाँ यूज होता है, नाउन से पहले, वी नीड अ नाउन बिफोर दैट। अच्छा अब मैं निस्ट का एग्जाम्पल देती हूँ। तो निस्ट कैसे हुआ, जैसे मुझे बोलना है द टिश इज क्लाइन, कि ये छोटी है, तो ये छोटी एडजेक्टिव हो गया। अब मुझे बोलना ये छोटी नहीं है, देयर टिश इज निश्ट क्लाइन। और मुझे बोलना है द सिमर इज शोन, जो रूम है वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो मैं बोलूंगी ये ब्यूटीफुल नहीं है, द सिमर ist nicht schön। सपोज मुझे एडजेक्टिव के साथ यूज करना है, वर्ब के साथ यूज करना है, एडजेक्टिव के साथ मैंने यूज करके दिखा दिया। मुझे बोलना है इश कान डॉयच स्प्रेशन, आई कैन स्पीक जर्मन, मुझे बोलना है आई कैन नॉट स्पीक जर्मन, तो इश कान निश्ट डॉयच स्प्रेशन। I cannot speak German. तो निष्ठ आ जाएगा, तो वर्ब के साथ भी निष्ठ आता है एंड एडजेक्टिव के साथ भी। तो सपोज अगर एग्जाम्पल आते हैं, सपोज एग्जाम्पल आते हैं तो आप कैसे जज करेंगे? एग्जाम्पल आएगा
Their dish is gross. आपको निश्ट उधर काइन काइने में से लगाना है. काइन काइन या काइन में से लगाना है. तो अब कैसे लगाएंगे? अब आपने देखा ये एडजेक्टिव है, दैट मीन्स निश्ट आएगा. दूसरा एग्जाम्पल, इश हाब डैश हुंड. हुंड एक नाउन है, दैट मीन्स, और हुंड एक देयर है तो, और ये ऑब्जेक्ट में है, अकुजेटिव केस लग गया, तो काइन नन. सी, आप एक और चीज़ से जज कर सकते हैं कि अगर एच कैपिटल, आई मीन कोई भी चीज़ कैपिटल दी हुई है तो वो नाउन ही होगी. तो नाउन अगर होगा तो काइन काइना या काइनन यूज़ होगा, और अगर स्मॉल में दिया हुआ है दैट मीन्स वो एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं. ग्रोस, क्लाइन, श्योन, श्वेर, इस तरह के वर्ड्स अगर आपको देखने को मिलेंगे तो नाउन से आप जज कर सकते हो कि नाउन अगर कैपिटल, अगर कोई वर्ड कैपिटल लेटर में है दैट मीन्स वो नाउन है, और नाउन से पहले हमारा काइन काइना या काइनन लगता है. फिर वो हमें जज करना है कि ये नॉमिनेटिव जार्ट्स है या अकुजेटिव. अब जैसे ये वाला है, ये अकुजेटिव जार्ट्स है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. आई मीन यहाँ पर कोई और, अच्छा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये भी देखना होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो ये काइनन हुंड, यानी कि सब्जेक्ट एक अलग है एंड ये ऑब्जेक्ट में बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट हुंड जो है वो ऑब्जेक्ट में, दैट मीन्स यहाँ अकुजेटिव केस लग रहा है. तो इसलिए अगर हम पॉजिटिवली बोलते तो हम क्या बोलते हैं, इशाबा आइनन हुंड. तो नेगेटिव में इशाबा काइनन हुंड. अब जैसे ये सेंटेंस है, दासिस आइंटिश या काइंटिश, तो ये आपका नॉम, ये मत समझना, ये भी है हालांकि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो दास है वही टिश है. जो दास है, हम जो दास डिनोट करें वो टिश को, तो ये नॉमिनेटिव जार्ट्स है. तो इसको वैसे इंग्लिश की तरह मत करना कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वो तो मैं ये बोल रही हूँ. यहाँ पर देखो, इश हाबा काइनन हुंड, इश एक अलग इंडिविजुअल बंदा है और काइनन हुंड एक, हुंड एक अलग चीज़ है. तो यानी कि दो अलग अलग इंडिविजुअलिटी है, तो एक सब्जेक्ट में है एक ऑब्जेक्ट में. जो ऑब्जेक्ट में होगा वह अकुजेटिव केस लगेगा, लेकिन ये जो दास है वो टिश के लिए ही डिनोट हो रहा है, तो ये नॉमिनेटिव जार्ट्स है. ये अकुजेटिव है और ये नॉमिनेटिव है. और दूसरा तरीका ये होता है, जो जाइन होती है, जो हमारी जाइन होती है वो हमारी इमर नॉमिनेटिव वर्ब होती है. ये नॉमिनेटिव वर्ब है और हाबन आप कह लो ये अकुजेटिव है, तो हाबन के साथ हमेशा अकुजेटिव केस लगेगा और जाइन के साथ हमेशा नॉमिनेटिव केस लगेगा. सो अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूं कि देयर कूली इज डैश ब्लाउ, और आपको नेगेटिव में बोलना है, तो ये ब्लाउ है दैट मीन्स ये एडजेक्टिव है, तो निश ब्लाउ. और मुझे बोलना है टीना हार्ट डैश हैमस्टर, तो मैं बोलूँगी टीना के पास नहीं है, तो काइनन हैमस्टर, क्योंकि हैमस्टर का आर्टिकल देयर होता है. सपोज एग्जाम्पल आता है, इश हाब डैश फ्रॉइंड. अब इसमें क्या आएगा, निश्ट काइन या काइना. दूसरा एग्जाम्पल है एयर म्यूस्ट डैश पिज्जा. तीसरा एग्जाम्पल है दासिस डैश बुक जॉन्डन आइन हेफ्ट. फोर्थ इश बिन डैश फ्यूनसेन यारा आल्ट. नेक्स्ट देयर गार्टन इज डैश श्योन. अब हमें फिल करना है कि इनमें क्या आएगा, निश्ट आएगा, काइन आएगा, काइन आएगा या काइनन आएगा. पहला सेंटेंस, इश हाबा फ्रॉइंड या इश हाबा फ्रॉइंड, तो ये फ्रॉइंड देयर है, ऑब्जेक्ट में है, यानी कि अकुजेटिव सेंटेंस. अगर मेरे पास मेरा फ्रेंड होता तो मैं क्या बोलती, इश हाबा आइनन फ्रेंड, और नहीं है तो काइनन फ्रेंड, क्योंकि आर्टिकल देयर होता है
रियाकोजाटिव सेंटेंस, तो आइन आइनन में चेंज हो जाता है. अब एयर मोस्टर पिज्जा, पिज्जा का आर्टिकल दी होता है, तो एयर मोस्टर काइना पिज्जा, आइना पिज्जा या काइना पिज्जा. दास इज अ बुक है, बुक ये भी नाउन है, दास इज काइन बुक. जॉन्डन आइन हैफ्ट, ये एक नोटबुक है. इश बिन, अब वर्ब आ गई है, तो इश बिन निश्ट फिनसेन यारा आर्ट. अब श्योन, श्योन एक एडजेक्टिव है, तो देर गार्टन इज निश्ट श्योन. तो आपको कैसे पता चलेगा, एक तो ना, एक तो कैपिटल लेटर से पता चल जाएगा, भाई कैपिटल लेटर है दैट मीन्स ये नाउन है, नाउन के साथ हमेशा ये लगता है, काइन काइने या काइनन लगता है, तो काइन काइनन फ्रॉइंड. फिर हमें देखना है कि अकुजाटिव सेंटेंस है या नॉमिनेटिव, तो अकुजाटिव सेंटेंस है, हाबन है, हाबन इज इमर अकुजाटिव, हाबन के साथ हमेशा अकुजाटिव सेंटेंस बनेगा, इश हाब काइनन फ्रॉइंड. और यहाँ पर भी एयरमोस्टर काइने पिज्जा, पिज्जा नाउन है, बुक नाउन है. अब यहाँ पर वर्ब है इश बिन निश्ट, यहाँ पर कोई वैसे नाउन नहीं है, फिनसेन यारा आल्ट. और यहाँ पर देयर गार्टन इज ब्लैंक से पहले, ब्लैंक के बाद एक एडजेक्टिव है श्योन, तो देयर गार्टन इज निश्ट श्योन. अगर इस तरह का कोई एग्जाम में आता है तो आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है, नाउन और एडजेक्टिव को जज करना है बेसिकली. जहाँ नाउन होगा वहाँ काइन काइन काइनन होगा, और जहाँ वर्ब होगी या एडजेक्टिव होगा वहाँ पर निश्ट यूज होगा. तो सबसे पहले हमें देखना है द गार्टन इज निश शोन शोन, ये जज करना है, ये जज करना है, ये जज करना है. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर. एंड जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे शेयर करेंगे मुझे और अच्छा लगेगा, एंड आई विल मेक मोर वीडियोज़. थैंक यू वेरी मच.